आप देख रहे हैं प्राइम 24 और अब हवाई यात्रा होगी महंगी, यानी जून महीने में अगर आप हवाई यात्रा का मन बना रहे हैं तो आपको टिकट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी ने एक बार फिर एयरलाइंस को अपना किराया बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। अगले महीने से ज्यादातर एयरलाइंस किराए में बढ़ोतरी कर सकती हैं। ये बढ़ोतरी 300 से 400 रुपए तक की हो सकती है। पहले महंगाई ने मारा और जो कसर बची थी उसे बढ़ते किरायों ने पूरा कर दिया और इसका असर ये हुआ कि जून से हवाई यात्रा के लिए आपको और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में लगी आग के चलते एयरलाइंस ने एक बार फिर अपने किराए में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि बढ़ोतरी कितनी होगी, लेकिन किराए बढ़ाना एयरलाइंस के लिए मजबूरी है। न्यूज 24 को मिली जानकारी के तहत इस बार एयरलाइन कंपनियां किरायों में करीब 300 से 400 रुपए की बढ़ोतरी का मन बना रही हैं। कच्चे तेल के दाम $135 प्रति बैरल पर जा पहुंचे हैं, जिसकी वजह से एयरलाइन कंपनियों के लिए हवाई ईंधन के दामों में बढ़ोतरी का हिस्सा यात्रियों के सिर मारना पड़ेगा। एयर इंडिया ने फिलहाल 24 मई से अपने किराए 10% बढ़ा दिए हैं, तो वहीं बाकी एयरलाइंस जून के पहले हफ्ते में अपने किराए बढ़ाने पर फैसला लेंगी, क्योंकि एयरलाइंस इस महीने हवाई ईंधन के दामों में काफी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो 750 किलोमीटर की दूरी वाले शहरों के लिए मौजूदा 1950 रुपए के बदले आपको 2100 रुपए देने पड़ेंगे और लंबी दूरी वाले शहरों के लिए आपको हर टिकट पर बेसिक फेयर के अलावा 2350 रुपए के बदले 2500 रुपए देने पड़ेंगे। ATF एक दो स्टेट्स ने रिड्यूस करा है 4%, 2%, बाकी स्टेट्स का 24% तक ATF है, तो 24% एक ऑपरेटिंग कॉस्ट में जिसे DOC कहते हैं एयरलाइन की, वो काफी हाई है और उसको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी हवाई यात्रियों को महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। वहीं एयरलाइंस का कहना है कि उनके पास किराओं में बढ़ोतरी के अलावा कोई और चारा नहीं है और उनकी दलील है कि यात्रियों को फ्यूल सरचार्ज पहले के एक मुश्त रकम के बजाय शहरों के बीच की दूरी के हिसाब से देना पड़ेगा, जिससे छोटे शहरों के यात्रियों पर भार कम पड़ेगा। अनुराग मनखंड, दिल्ली, न्यूज 24।